सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। एक नज़र हमें सरकार की ओर डालना चाहिए और उस सरकारी तंत्र की ओर, जहां पर सरकार जो है तो बहुत कुछ हमें बताती है, बहुत कुछ दिखाती है और बहुत कुछ देने का वादा करती है। और सरकार का एक दूसरा पहलू होता है जिसे भ्रष्ट तंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हमारी सरकार है उस सरकार के नीचे एक प्रशासन चल रहा होता है, पूरी सत्ता शासन सब कुछ जो है तो चल रही होती है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि नियमों का जो है तो कितना उल्लंघन किया जाता है और कितना पालन किया जाता है। आपको पता है कि आज छोटी छोटी स्थितियों और बड़ी से बड़ी परिस्थितियों पर जो है तो आज सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ऊपर कितने काम होते हैं, कितनी कार्यवाही होती हैं और कई ऐसे मामले होते हैं जो आज कहीं ना कहीं ठंडे बस्तों में पड़े होते हैं, जिनमें से सबसे पहला मामला आता है कि करप्शन का। करप्शन किसी एक जगह पर नहीं, करप्शन आज वो बीमारी हो चुकी है जो हमारे दिल और दिमाग से शुरू होती है और लास्ट में उस टेबल के दराज में जाकर ख़त्म होती है। आपको पता होगा कि आज का जो सिस्टम है वो कैसा हो चुका है, बिना पैसे कोई काम कहीं होना नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भारत देश का 80%, यानी कि भारत देश का हर वो नागरिक इस बात को लगभग लगभग जानता है कि यहाँ पर जो है तो बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता है। चाहे फिर वो एक राशन कार्ड की बात करें, चाहे एक किसी भी ऐसे काम की जो सरकारी तंत्र के द्वारा होना है। मैं नहीं कहता कि कहीं पर 1000 लेंगे, कहीं 10000 लेंगे, कहीं 200 लेंगे, कहीं 500 की, कहीं 50 रुपये ही सही, लेकिन लगना ज़रूर है पैसे। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमें कुछ पत्रों की ज़रूरत होती है, प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह, आप देखिए कि आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हमें बनवाना है तो उसमें भी जो है तो कुछ ना कुछ हमें देना होता है। और उसके अलावा कई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके लिए हमें पैसे देना है। यहाँ तक कि आज अगर आपको एक सरकारी नौकरी भी कहीं करना है तो उसके लिए भी जो है तो आपका जुगाड़ तंत्र बड़ा मजबूत होना चाहिए, तो जो आके कहीं आपका सेटलमेंट हो पाएगा। ऐसी कुछ बातों पे जो है तो एक बात और उभर के सामने आई। आपने देखा होगा कि कई वर्षों से जो है तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कार्यवाहियाँ हुई होंगी और उन बहुत सारी कार्यवाहियों में कई सारे अखबारों में खबरें छपी होती थी कि आज इन महोदय के घर में जो है तो छापा पड़ा ईओडब और उसके अंतर्गत जो है तो इतने रुपए, इतने संपत्ति जो है तो बरामद की गई। लेकिन इस पर एक सबसे बड़ा सवाल है मेरा, एक गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता और उसे जुगाड़ तंत्र के द्वारा जो है तो चुनाव लड़वाया जाता है और सामने वाला चुनाव जीत भी जाता है। उसके बाद जैसे 5 साल ख़त्म होने को होते हैं और या कहिए कि वो व्यक्ति दोबारा फिर चुनाव जीत जाता है वहाँ पर से, सोचिए उस व्यक्ति के पास होता कुछ नहीं है पहले, लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म होता है, उसका कार्यकाल ख़त्म होता है, उसी 5 साल के अंतराल में ही जो है तो धीरे 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 करके उसकी स्थितियाँ कुछ यूँ बदलने लगती हैं कि मानो उसके पास अचानक से कहीं से संपत्ति आ गई हो। क्या कारण है इसका, सोचिए, विचार करिए, ये आखिर क्या ऐसी वजह है। आपको याद होगा कि आज हम जब एक वार्ड पार्षद की बात करते हैं या किसी ग्राम पंचायत के सरपंच की बात करते हैं तो उसकी सैलरी क्या होती है, उसका वेतनमान क्या होता है, किसी समय में जो भी रहा हो, लेकिन अभी वर्तमान में तो फिलहाल एक पार्षद का जो है तो लगभग 1800 रुपये महीने है और एक सरपंच का भी लगभग लगभग उतना ही, एक ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसकी भी पेमेंट लगभग इतनी ही है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी पूरी सैलरी को, तो 5 साल और एक, तो सबसे पहले हम 1 साल का हिसाब लगाते हैं तो कितने आ रहे हैं और 5 साल का हिसाब लगाते हैं तो कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सैलरी भले 1800 की होगी लेकिन खर्चे इन महाशयों के जो है तो 18000 के होते हैं महीने में। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई बार अभी टीवी में जो है तो हमें दिखाया जाता है कि सबसे गरीब प्रत्याशियों में से है जो तो ये प्रत्याशी था और इसे विधानसभा की टिकट दे दी गई किसी भी पार्टी से, सामने वाला चुनाव जीत भी गया। सैलरी इनकी भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनका कार्यकाल ख़त्म होते होते ना इनके पास 2-व्हीलर मतलब एक बाइक नहीं होती चढ़ने के लिए, उसके घर इनोवा फॉर्च्यूनर वगैरह वगैरह और इतनी संपत्ति होती है, भले ही बेनामी हो, किसी और के नाम पे हो बात की बात है, लेकिन संपत्ति होती है। अभी हाल फिलहाल मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया कि अगर भ्रष्टाचार से संबंधित
आप शिकायत दे सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित हम शिकायत तो देना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार की अंदर की एक और कहानी आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इस हेल्पलाइन के बारे में। अब हम जाते हैं कहीं पर, हमने कहीं पर गलती से काम कर लिया, ठेकेदारी का वगैरह वगैरह, चाहे ग्राम पंचायत हो वगैरह वगैरह, कहीं भी हम जा रहे हैं, काम ने हमने किया क्योंकि बिना पैसे कुछ होना नहीं है। अभी मैंने ग्राम पंचायत के कुछ किस्से खंगाले, वहाँ पर मैंने देखा कुछ लड़के मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया हमने काम तो कर लिया है लेकिन बिना लेन देन के तो वहाँ पर बिल ही मतलब फाइल ही साइन नहीं होना है, लो कर लो बात, आप क्या करोगे, आप आपके पास क्या ऑप्शन बचा। दूसरा एक बात समझ में नहीं आई कि पंचायतों में ठेका निर्माण होने कब से लगे हैं, जबकि कहीं पर नियम में है ही नहीं। दूसरा, चलिए अगर हम पंचायती विभाग से हटते हैं थोड़ा सा, पंचायती विभाग से बाहर जब बाहर की ओर जब आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिस्टम कि अदरवाइज हमने किसी और विभाग से काम कर दिया, वहाँ पर भी यही हाल है। और सरकार हमें कह रही कि ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जो है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, रिश्वतखोरों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश में हमारे कई तरह के विभाग बनाए गए हैं जो कि इस पर काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक सिस्टम की बात आती है तो पता चलता है कि एक बहुत बड़े ऐसे करप्टेड व्यक्ति को, ऐसे करप्टेड नेता को, या किसी ऐसे करप्टेड अधिकारी को जो है तो पकड़ करके जो है तो उन पर कार्रवाइयाँ भी की जाती है। लेकिन देखते हैं हम महज कि 2-4-6 महीनों के अंतराल में उन्हें जमानत वमानत भी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लास्ट में वो फिर आने के बाद फिर उनकी उतनी संपत्ति हो जाती है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दूसरा एक किस्सा होता है थाने का, जहाँ एक गरीब व्यक्ति जब अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा होता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो खुद ही चोर है, खुद ही अपराधी है। वहीं पर कोई बड़े नेता जी जब जा रहे होते हैं तो उनके लिए कुर्सी लगा दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है कि नहीं ये नेता जी हैं, ये आएंगे इनको सम्मान देना, वो भले कितने बड़े अपराधी क्यों ना हों। यहाँ तमाम, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, अनूपपुर ज़िले की बात करूँ, तो तमाम कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ढेर अपराध जो है तो पंजीबद्ध होंगे और उनके ऊपर जो है तो कायमी भी शायद होगी, कई लोगों की पेशियाँ भी चल रही होंगी, लेकिन फिर भी उन्हें मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती है, चाहे वो थाने में हो या चाहे किसी विभाग में हो, चाहे किसी भी प्रशासनिक विभाग में हो, या क्योंकि उनके जो लिंक है, उनके जो तार हैं बहुत ऊपर तक जुड़े होते हैं। और रही बात जहाँ भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार तो हमारे यहाँ से शुरू होता है और हमारे दिल तक जो है तो पहुँचा हुआ होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं और नहीं, हमारे मन में है। चलिए हमारे मन में है, पहले तो सिस्टम था कि अगर हम किसी को कुछ नहीं देना चाह रहे हैं तो हम ना दें, काम होता था लड़ जाते थे हम, लेकिन आज तो पूरे सिस्टम में ही जो है तो करप्शन भरा हुआ है। अब वहाँ पर आप किससे लड़ेंगे, कौन है जो आपकी सुनेगा। तो बहुत अजीबोगरीब तरीके से जो है तो यहाँ पर का सिस्टम है, और इस सिस्टम के खिलाफ जो है मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ हो पाएगा। रही बात हेल्पलाइन नंबर की बात, तो मैंने आपको बताया कि जिन्होंने इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया होता है वो खुद ही सबसे बड़े करप्ट होते हैं। आज तो हालांकि वो सिस्टम ही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पर हम सभी लोगों ने जो है तो इन वारदातों से होते हुए ही जो है तो हम अपने रास्तों तक आए हैं। एक समय होता था कभी एक हम लोग पंजीयन कराने जाते थे, रोजगार पंजीयन, वहाँ तक हमसे 10-20 रुपए ले लिए जाते थे कि नहीं साइन करना है, बाबू हमारे पास आता था और 10-20 रुपए ले करके जाता था, तो जा करके कहीं वो साइन दस्तखत करा करके लाता था। तो इस तंत्र के खिलाफ जो है तो पता नहीं कोई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि जो छापेमारी होती है ना, तो इस छापेमारी में सरकार को सबसे पहले एक नियम निकालना चाहिए कि अगर हम पैसे वालों के घर छापेमारी कर रहे हैं तो उस दायरे में सबसे पहले वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने अभी तक करोड़ों से लेकर के अरबों रुपए कमाए हैं उनके घर क्यों नहीं। विधायक, सांसद, अध्यक्ष, मंत्री, संतरी जो भी हैं, इनके घरों पर छापेमारी क्यों नहीं, क्यों नहीं इनके संपत्तियों की जांच की जाती। इसके साथ हालांकि मैं विराम देना चाहूँगा।